हमारे साथ डॉक्टर विनेंद्र जी हैं, पीएचडी होल्डर हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे से राइटर्स भी करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है, आपने पीएचडी भी करी हुई है, तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आज जो एस टी एस टी ओबीसी समाज है साथ में एकत्रित नहीं हो रहा है, कहते हैं अगर ये 85% की जनता अगर एक साथ हो जाए तो देश के अंदर इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है, तो क्या विशेष कारण है कि ये एकजुट नहीं हो पा रहा है? एक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि जितना 85% जी जो सामान्य हिंदुओं के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब एस सी एस टी ओबीसी में बटे हुए हैं, इनकी एकता बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी एकता को रोकने के लिए जो मनवादी लोग हैं वो बहुत आगे हैं और हम पीछे हैं। हमारे पीछे होने के कारण ही ये लोग एकजुट हो पा रहे, इसके पीछे इस संस्कृति है जो मनवादी संस्कृति है, हम उसके जाल में फंसे पड़े हैं और जब तक हम मनवादी संस्कृति से बाहर नहीं निकलेंगे हम एकता की बात नहीं सोच सकते। लेकिन समाज चाहे वो एस सी हो, चाहे एस टी हो, चाहे ओ बी सी हो और चाहे मुस्लिम भी हो, वो इस बात को अब समझ रहा है, जो युवा हैं वो समझ रहे हैं कि हमें एक होना पड़ेगा अगर हमें अपने अधिकार लेने हैं, हमें आगे बढ़ना है, पार्लियामेंट तो जाना है, तो हमें एक होना होगा और बिना एक हुए बाबा साहब का और कासराम जी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। जी, आप थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना तभी हो पाएगा क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर भी बाबा साहब का जो फोटो लगा हुआ है वो इशारा करता है संविधान की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ, कि पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो, वही डॉक्टर साहब ने बोला। लेकिन उन्होंने मनु व्यवस्था की भी एक बात बोली और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मनु व्यवस्था इस तरीके से बना दी है कि नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता और ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता है। लेकिन एस सी एस टी ओ बी सी समाज को समझना होगा, इस व्यवस्था को तोड़ के बहुजन समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, तभी इस देश के अंदर बहुजन समाज की सरकार आ पाएगी। हमारे चैनल से बात करने के लिए राजेंद्र पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।